महसूस होती है तब हमारे नाक और कन और परफॉर्म करता है और उसके जरिए खराटे हमारे शरीर में। और कहते हैं कि जिनके खराटे बोल रहे और ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ा सिम्टम बता रहा है वहां, उस खराटे बोलने वाले इंसान को 10 जानलेवा बीमारियां हो सकती है, जिसमें नंबर 1 पर आता है हार्ट अटैक, जो आने का 100% चांस है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है, ये पिलों इसके साथ इस्तेमाल करना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट इंस्टन 15 दिन में रिजल्ट देती है आपको, और शरीर बिना कोई इलाज बिना कोई मेडिसिन आपको रिजल्ट 15 दिन के अंदर रिजल्ट आपका अनुभव होना शुरू। इसके साथ एक और प्रोडक्ट है जो होता है बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड क्या काम करता है, ये पानी के साथ इस्तेमाल करने वाली प्रोडक्ट है। इंसान रोज 4 से 5 लीटर पानी पीता है, और पानी हमारे शरीर में क्या काम करता है, सबसे पहला काम करता है इंस्टेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि पानी में H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो इंस्टेंट ऑक्सीजन हमें मिल जाता है पानी से, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है सर, हमारा शरीर 70% पानी से भरा हुआ है, आपके और मेरे शरीर में 70% पानी है। अगर आपका वजन 100 किलो है तो 70 किलो तो पानी ही है। अब इतना सारा पानी होने के बावजूद भी 4 घूंट पानी की जरूरत क्यों पड़ती है, रोज 3-4 लीटर पानी अधिक आवश्यक क्यों है, पीना पड़ता क्यों है, पानी तो ऑलरेडी शरीर में है और वो इतनी बड़ी मात्रा में 70% है। क्योंकि दोस्तों पानी के जरिए ही हमारा बॉडी सफाई होता है, साफ होता है। हमारे बॉडी में 5 लाख छिद्र है, 5 लाख छिद्र पता नहीं किसने गिने होंगे लेकिन है 5 लाख। और 5 लाख छिद्रों के जरिए प्रवाही रूप से हमारे शरीर में पैदा होने वाला एसिड, हमारे शरीर में से पैदा होने वाला टॉक्सिन जहर, सब कुछ पानी के जरिए, यूरिन के जरिए, टॉयलेट के जरिए, पसीने के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और ये सब निकलता है तभी जाके शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रह पाता है। लेकिन जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी शरीर से बाहर आसानी से निकल नहीं पाता, क्यों, क्योंकि पानी की जो घटता होती है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है वो हैवी होता है। पानी का एक स्ट्रक्चर होता है वो 16-17 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, और वो 16-17 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ हैवी पानी हमारे शरीर में इजीली बाहर नहीं निकल पाता, पसीने के जरिए, टॉयलेट के जरिए, यूरिन के जरिए, जिसके बदौलत शरीर में पैदा होने वाला एसिड और टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और बीमारियां पैदा करता। लेकिन जैसे ही आप पानी पीने की आदत में थोड़ा बदलाव करते हो, आपको क्या करना है, पानी उतना ही पीना है, वही पानी पीना है जो पानी पीते हो, लेकिन सीधा ग्लास से पीना है कि बजाय आपको एक बॉटल ले लेनी है, चाहे कांच की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे स्टील की हो, चाहे तांबे की हो, कोई भी बॉटल ले सकते हो। उस बॉटल के आजू बाजू में इस पैड को रेप कर देना है, रपेट लेना है, और इसके अंदर है 30 हाई फ्रीक्वेंसी हाई मैग्नेटिक पावर वाला मैग्नेटिक सेल डाले गए। 30 ये मैग्नेट के सेल क्या काम करते हैं, उसमें भरा हुआ पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, जो 16-17 मॉलिक्यूल्स का था वो 4-5 मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, मतलब पानी पतला हो गया। इसको हम इसको एनर्जेटिक पानी बोलते हैं, इसको हम मैग्नेटाइज वाटर बोलते हैं। ये पानी जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर में जो 70% पानी है उस पानी से ये पानी घुल मिल जाता है। रोज 4-5 लीटर पानी मैग्नेटाइज वाटर हमारे शरीर में जाता है, जिससे वहाँ वो वाला पानी भी 70% पानी भी पतला हो जाता है, और हमारे बॉडी के 5 लाख छिद्रों के जरिए आसानी से, सरलता से, यूरिन के जरिए, टॉयलेट के जरिए, पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और इसके साथ निकलता है शरीर में पैदा होने वाला टॉक्सिन, इसके साथ निकलता है शरीर में पैदा होने वाला जहर। डे बाय डे हमारा शरीर प्योर होता जाता है, साफ होता जाता है, सफाई करता है, सफाई होती जाती है, और हमारा शरीर ऑटोमेटिक नेचुरल पोजिशन में आता है और अपने आप बीमारियाँ ठीक हो जाती है। ये पानी पीकर कई सारे लोगों के अनुभव हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, कब्ज की बीमारी, एसिडिटी का प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोगों के तो स्किन के प्रॉब्लम, आंखों के चश्मे के नंबर, वजन कम हो जाना, ऐसे बहुत सारे लाभ केवल लोगों ने पानी पीकर दूर किए दोस्तों। तो ये है मैग्नेट थेरेपी, जो बिना इलाज बिना मेडिसिन ये हमारे शरीर के ऊपर काम करती है। इसके साथ एक तीसरी प्रोडक्ट है वो भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षित करता है रेडिएशन से, क्योंकि रेडिएशन का खतरा आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमें नुकसान भी बहुत पहुंचा रही है, ये बात सबको पता है, यस और नो? और क्या नुकसान करती है पता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को वो कमजोर कर देता है। जब तक हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति ठीक से काम करेगी तब तक हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। आप सब लोग कोविड से गुजर चुके हैं, आप सबको पता है अलीराजपुर में कई सारे लोग कोविड पॉजिटिव हुए होंगे, ये सब लेकिन सब नहीं हुए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो शहर में निकलते थे, कभी हाथ मुंह ढकते नहीं थे, लोगों से हाथ मिलाते थे, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत जबरदस्त काम करता। और कुछ लोग बेचारे घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में महाभारत रामायण देखते थे, कभी खिड़की के बाहर सर भी मुंह भी नहीं निकाला, और घर में बैठे बैठे उनको 3 महीने में रिपोर्ट निकाला है तो सर पॉजिटिव आया, क्यों, क्योंकि घर में बैठे हुए व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर था।
आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति अगर कमजोर है, बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति अगर छींक भी खाता है तो उसके वायरस आपको सर्दी जुकाम करवा देता है। लेकिन इम्यूनिटी अगर पावरफुल है आपकी, तो दुनिया का कोई वायरस, दुनिया का कोई बैक्टीरिया आपका 1% भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब तक इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, इम्यूनिटी का सीधा आधार है हमारी एनर्जी, शारीरिक एनर्जी। जब तक हमारा शारीरिक शक्ति बनी रहेगी तब तक हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बनी रहती है। शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ग्लूकोज पिलाते हैं, चढ़ाते हैं, है ना। डॉक्टर उसको संतरे का जूस, नींबू पानी पिला देता ताकि उसकी एनर्जी मेंटेन रहे, ताकि उसकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी पावर भी ठीक से काम करे। लेकिन दोस्तों संतरे का जूस तो कुछ क्षण हमें शक्ति देता है, लेकिन सबसे खतरनाक जो खतरा है हमारे शरीर को वो है रेडिएशन का। आज हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी और उससे उपकरण, और सबसे खतरा है मोबाइल टावर्स और मोबाइल टेक्नोलॉजी से। घर घर में चार चार पांच पांच मोबाइल, ये मोबाइल के रेडिएशन हमारे शरीर को, एनर्जी को खा जाता है और हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, जिससे हम बैक्टीरिया वायरस के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस रेडिएशन से बचना बहुत ही आवश्यक है। तो रेडिएशन से बचने के लिए हमारे पास कोई ना कोई साधन होना जरूरी है। कंपनी ने बना दिया एक बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट, जिस ब्रेसलेट को अगर आप चाहो तो हाथ या पैरों में कहीं पर भी बांध सकते हो। एक ब्रेसलेट है, जिस ब्रेसलेट को अगर आप हाथों या पैरों में बांध देते हो, जैसे मैंने यहाँ पैरों में बांधा हुआ है, आप कहीं भी बांध सकते हो। अगर इसको आपने बांध दिया तो आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगी और आपको रेडिएशन से प्रभाव में नहीं रहोगे, और रेडिएशन का इफेक्ट कम हो जाएगा तो अपने आप आपकी एनर्जी पावर मेंटेन रहेगी, एनर्जी मेंटेन रहेगी तो डेफिनेटली आपकी शारीरिक, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी जबरदस्त काम करेगी और दुनिया का कोई बैक्टीरिया वायरस आपको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि एनर्जी को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट हमें सुरक्षित करती है, रेडिएशन से बचाती है। ये प्रोडक्ट भी यूज करना बहुत ही जरूरी है। उसका डेमो भी हम दिखा सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसके डेमो भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट कैसे हमारी एनर्जी पावर को। क्या आप डेमो देखना चाहते हो इसके?